हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईवाईसी। तो आज हम बात करेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र की, ठीक है। अब इसमें जो है ना, हम क्या पढ़ेंगे कि रक्त जो है वो होता क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। और इसी टॉपिक के अंदर हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, जो हमारा दिल है उस दिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि यह काम कैसे करता है और इसका डायग्राम कैसे बनता है, उन सब के बारे में जो है ना हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे अब मैं बता दूं आपको, यदि आपने इसके स्टार्ट के दो वीडियो आगे है वो यदि नहीं देख रखे तो पहले वो देख लीजिए, उससे भी जो है ना आपको काफी कुछ फायदा मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया रखा है कि इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है और हमें किस तरीके से पढ़ना है, एग्जाम में इस चैप्टर का पैटर्न कैसे रहेगा, कितने नंबर का ये आएगा, सभी जो है आपको बताया रखा है, ठीक है। देखिए, बात करते हैं रक्त की। तो रक्त जो है ना होता क्या, देखिए स्टार्ट में हमने बोला था कि रक्त जो है ना हमारे बॉडी में जो चलते रहता है, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह रुक के जो है ना रेस्ट ले लिया, ऐसा कभी नहीं करता है। रक्त हमारी बॉडी में चलता रहता है, इसका मतलब रक्त जो है, ब्लड जो है, खून जो है, इस अपने साथ जो है ना बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे जो है ना अपशिष्ट हो गए, बहुत सारे जो है ना बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन होगी, तो इन सब का जो है ना वो क्या करता है, प्रवाह करता है बॉडी में, हमारे शरीर में जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम जो है ना कौन करता है, ब्लड करता है। तो यही बोल रखा है यहाँ पर। देखिए, ब्लड जो है ना, रक्त जो है ना एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो मानव एवं अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा अपशिष्ट पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। समझ रखा आपने, यही मैंने आपको जो बताया वही है कि मानव और अन्य जो पशु है ना उनमें आवश्यक पोषक तत्व हो गए, ऑक्सीजन हो गया, और उनको जो है ना कोशिकाओं में जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना उनको भी जो है ना हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम, मतलब परिवहन का काम जो है वो कौन करता है, हमारे रक्त करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रक्त का निर्माण जो है ना क्या होता था। रक्त का निर्माण जो है ना वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में। ये आप जो याद रखना। इसके साथ देखिए जो बच्चे छोटे होते हैं ना, मतलब शिशु बोल सकते हैं, छोटे नहीं, शिशु जो होते हैं ना, और साथ ही साथ जो भ्रूण में होते, जो गर्भ में बच्चे होते हैं ना, उनमें जो है ना क्या होता है, उनमें जो है ना रक्त का निर्माण कहां पे होता है? पलिहा में होता है। कहां पे होता है? पलिहा। पलिहा जो है ना एक तरह की संरचना होती है, उसमें जो है ना उनका रक्त का निर्माण होता है। और हम सामान्य शरीर की बात करें, नॉर्मल बॉडी की बात करें, तो उस नॉर्मल बॉडी में जो है ना 5 लीटर ब्लड जो है पाया जाता है। आपकी बॉडी से यदि सब खून निकाल ले जाए ना, तो आपकी बॉडी से जो 5 लीटर जो है खून निकलेगा, ठीक है। ये जो है आपकी रक्त की बात होगी। अब बात करते हैं हम रक्त कोशिकाओं की। तो रक्त कोशिका जो, ये जो रक्त कोशिकाएं होते हैं ना, ये जो है ना 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन सी होती है, उन सभी प्रकार के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार आता है आपके व्हाइट ब्लड सेल। कौन सा आता है? व्हाइट ब्लड सेल, सॉरी रेड ब्लड सेल, जो कि लाल रक्त कोशिकाएं कह सकते हैं। तो जो पूरा खून होता है ना, जो पूरा हमारा रुधिर होता है, रक्त होता है, उसका 99% जो है ना वो लाल रक्त कोशिका ही होती है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका में जो है ना वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इस हीमोग्लोबिन नामक ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन की वजह से ही हमारा पूरा खून जो है वो लाल दिखता है। समझ में आ गया? हमारा पूरा खून लाल किससे दिखता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ना हमारे अंदर चेक किया जाता है कि इसके अंदर कितना है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल हमारे शरीर में होना चाहिए, उसकी एक कुछ क्वांटिटी है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है। अच्छा, श्वेत रक्त कोशिका, मतलब जो है ना हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल की, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है ना उनका निर्माण जो है ना कहां पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। जो रक्त का होता है वहीं पर जो है ना इसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। तथा इनका काम जो है ना क्या करता है कि जो हमारी प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी सिस्टम है ना, उसको बढ़ाकर उसको जो है ना बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी, जैसे कि कोरोना में हमें इम्यूनिटी बढ़ानी थी, तो हमें जो है ना लाल रक्त कोशिका की, सॉरी श्वेत रक्त कोशिका है, उनके ऊपर ध्यान देना था। साथ साथ देखिए, हम इन्हें जो है ना ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इन कोशिका में जो है ना हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता, इसलिए इनमें कोई रंग होता ही नहीं, इनका रंग जो है वो होता नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो ये जो है आपकी श्वेत रक्त कोशिका। अब मैं जो है आपको यहाँ का फॉर्मेट बताता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो यहाँ पर जो है ना, देखिए इस टॉपिक में से आपको जो है ना 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको संभावना बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन तो एक ही दे। देखिए, पहला जो है बन सकता है आपका रक्त के ऊपर, कि रक्त के ऊपर जो है ना आपको बोल दिया जाए कि रक्त की जो है ना कार्य विधि समझाइए, रक्त क्या है उसकी कार्य विधि समझाइए, बोल देगा और कोई डायग्राम जो है आपको दूसरा दे देगा। तो इस तरीके से जो है ना आपको 6 नंबर पूछ ले जा सकते हैं, या फिर आपको जो है ना इसमें परिसंचरण तंत्र पूछ ले कि मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले तो आप आ जाएगा कि नामांक जो मानव परिसंचरण तंत्र है उसका चित्र बनाइए, ये 3 नंबर का, और परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसकी क्रियाविधि को समझाइए, ये भी 3 नंबर का, 6 नंबर हो गए।
दूसरा तरीका जो है ना, इसमें तीसरा टाइप के क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप जो है ना मानव हृदय जो है उसका नामांकित चित्र बनाइए, ये 3 नंबर का, और मानव हृदय की संरचना और इसकी क्रिया विधि को लिखिए, ये जो है ना आपके पूरे 3 नंबर का। तो इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है ना इसमें से पूछा जा सकता है, मतलब इसमें से टोटल 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन को जो है ना हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, मुझे ये पहले बताना था लेकिन अभी बता देता हूँ, ये हो गया। अब हम बात करते हैं बिंबाणु की। बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है ना। आपने जो है ना बहुत बार जो है ना आपके घर में सुना होगा कि हमारी जो है ना प्लेटलेट्स हमने चेक करवाई है, तो प्लेटलेट्स जो है ना या तो कम आई है या ज्यादा आई है, या मेरी तो नॉर्मल है, ये आप चेक करवाते हो जनरली। तो प्लेटलेट्स जो है ना होती क्या, देखिए इनको जो है ना हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और जो है ना रक्त में इनकी संख्या लगभग 1 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। मतलब 1 घन मिलीमीटर जो होता है ना, ठीक है ना, घन मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर बहुत ही कम होता है, और ये घन मिलीमीटर जो है ना उस 1 घन मिलीमीटर में जो है ना लगभग 3 लाख बिंबाणु पाए जाते हैं, 3 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ये जो है ना आप याद रखना, ठीक है। इसका जो है ना इनका जीवन 10 दिनों का होता है। यह प्लेटलेट्स जो है ना, एक प्लेटलेट्स की हम बात कर दे तो एक प्लेटलेट्स जो है सिर्फ 10 दिनों तक ही जीवित रह सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये बोला है कि ये कोशिकाएं जो है ना रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। और ये रक्त का थक्का क्या होता है आपने सुना है कभी, ठीक है, देखिए नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको जो है ना यहाँ पर चोट लगे, ठीक है ना, जैसे इस तरीके से आपको यहाँ पर चोट लगी, तो अब जो है ना आप क्या करोगे, चोट तो लगी तो क्या उससे स्टार्ट में उससे खून बहता है ना, ठीक है। तो खून बहता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि खून बहते ही रहता है, कभी कभार खून कम भी तो होता है, खून बहना जो है बंद भी तो होता है। तो वो खून बहना किससे कम होता है, किसकी वजह से कम होता है, इस सब बीमारियों की वजह से जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं ना, उस प्लेटलेट्स की वजह से ही रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का मतलब रक्त एक तरह से जम जाता है और जो है ना आगे बहना बंद कर देता है, ठीक है। तो यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे या फिर प्लेटलेट्स नहीं होंगे, तो हमारा यदि किसी भी चोट से भी चोट लग जाए ना, तो पूरा खून 5 लीटर हमारे पूरे बॉडी से बाहर आ जाएगा और हम मर जाएंगे। तो प्लेटलेट्स कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो ना, ठीक है। तो यह जो है ना पूरा रक्त के ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि इस जो रक्त है ना इसके काम क्या क्या है, तो इसके बाद जो है ना ये आपके रक्त का टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि परिसंचरण तंत्र जो है वो होता क्या है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य की। जो बॉडी के अंदर हमारा ब्लड है ना वो किस क्या काम करता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेगा, ऑक्सीजन और CO2 का जो है ना आदान प्रदान करता रहेगा, कहाँ पर, वातावरण में और हमारे बॉडी में, ठीक है, यही पहला काम करता है। तो यही बोलने का है, CO2 और ऑक्सीजन का वातावरण तथा उत्तकों के मध्य जो है ना विनिमय करता है। पहली बात तो जो है ना हमें याद रह जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है कि पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन करता है। यह भी हमें पता है कि जो पोषक पदार्थ बन गए हैं, जो ऊर्जा बन गई, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम ब्लड ही करता है, रक्त ही करता है, ठीक है। तीसरा है कि शरीर का जो pH है ना वो नियंत्रित रखता है। देखिए हमारे बॉडी का एक बैलेंस pH होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एसिडिटी वाला। एसिडिटी कैसे बढ़ जाती है, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं ना तो क्या होती है, अम्लता जो है ना, एसिडिटी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकलता है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इससे जो है ना बॉडी की pH कम होगी, लेकिन बॉडी की pH जो है ना एक लगभग नॉर्मल जो है ना होती है, लगभग जो है ना बोल सकते हो, तो उसके जो है ना अराउंड जो है ना उसको बैलेंस करने का काम जो है कौन करता है, हमारा ब्लड करता है, रक्त करता है। रक्त ही जो है जो हमारे शरीर को की जो pH है उसको नियंत्रित रखेगा, ठीक है। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, हमारे बॉडी का भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जो कि कितना होता है बोल सकते हो कि 97 डिग्री, 98 डिग्री फॉरेनहाइट, 37 बोल सकते हो, 37 डिग्री जो है ना सेंटीग्रेड जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो यह जो है ना इसको कॉन्स्टेंट इसको नियंत्रित रखने का काम करता है ब्लड। इसके साथ साथ प्रतिरक्षा के कार्य को संपादित करता है, जितने भी प्रतिरक्षा तंत्र के हमारे जो काम होना है उन सभी कामों को जो है ना करने का काम, मतलब उन सभी कामों को यह फिक्स करता है कि हमारा जिससे जो है हमारे बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो मजबूत रहे, ठीक है। साथ ही साथ हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुसार परिवहन करता है, जैसे कि मान लो हमारे दिमाग को आवश्यकता है हार्मोन की, जिससे जो है ना दिमाग तेज चले, तो हमारा जो है ना क्या करेगा, खून जो है ना हमारे जो ब्लड जो है ना वो बॉडी से जो है ना अच्छे अच्छे हार्मोन जो है ना हमारे दिमाग में लेके जाएगा, जिससे जो है ना दिमाग तेज चलेगा। तो जो है ना हमारा ब्लड हार्मोन को जो है ना आवश्यकता के अनुसार परिवहन करता है, ऐसा नहीं कि कोई आवश्यकता तो है ही नहीं लेकिन फिर भी जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन कर रहा है, वो सब नहीं करेगा, ठीक है।
बात करते हैं लास्ट इसके कार्य की, तो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर करने का काम भी जो है ना कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है, खून ही करता है, समझ गए। जो उत्सर्जी पदार्थों की जिनको पहले से बाहर निकालना, तो उनको बाहर निकालने का काम ब्लड ही करता है, रक्त ही करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम परिसंचरण तंत्र की, ये तो हमारा ब्लड हो गया, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो है ना एक ऐसा तंत्र बना हुआ है, एक ऐसा तंत्र तो आप समझ गए हो ना, ठीक है, ऐसा तंत्र बना हुआ है जो हमारे शरीर में ऊर्जा हो, चाहे आप अपशिष्ट पदार्थ हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे CO2 हो, कोई सॉरी CO2 तो है, सॉरी O2 हो, उसके बाद जो है ना चाहे हार्मोन हो, कोई भी हो, उन सभी का जो है ना बॉडी के एक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के कार्य को करने के लिए जो है एक पूरा तंत्र बना हुआ है, ठीक है। वो पूरा तंत्र, उस तंत्र में बहुत सारे अंग आते हैं, तो वो सभी अंग मिलकर जो है ना जो इन सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करेगा, इसी को जो है ना हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यही जो है ना बोलेगा, देखिए मनुष्य में O2 CO2 मतलब ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड पोषक पदार्थों उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे इस भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले पहुंचेगा भी और वहां से लाएगा भी, इन दोनों काम को करने वाले तंत्र को जो है ना उसी को जो है ना रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर का मतलब रक्त ही होता है, ठीक है, ये जो आप समझ लीजिए। इसके बाद देखिए, मानव में रुधिर पर रक्त परिसंचरण तंत्र को रुधिर जो ब्लड है ना, देखिए मानव में जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसमें जो रक्त है ना वो बंद नलियों में बहता है, ऐसा नहीं कि बाहर बहता है, बंद नलियों में जो नस देखती है ना उन नसों के अंदर बहता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, समझ गए। यही जो है बोल रखा है कि मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, इसलिए इसे जो है बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर परिसंचरण तंत्र में कितने अंग आते हैं, तो परिसंचरण तंत्र में 3 अंग आते हैं, जो कि है पहला है आपका रुधिर रक्त बोल सकते हो, दूसरा है हृदय हार्ट बोल सकते हो, तीसरा है आपका रुधिर रक्त वाहिनियां, ठीक है। इन ये 3 आपके अंदर इससे परिसंचरण तंत्र में आते हैं तीनों अंग। पहला अंग हमने पढ़ लिया है ब्लड, जो रुधिर है रक्त है उसको तो पढ़ लिया है, 2 पढ़ने बाकी है जो कि हृदय और रुधिर वाहिनियां, ठीक है। अब जो है ना इसके अंदर परिसंचरण में भी बहुत से होते हैं, एक आता है आपका लिम्फोसाइट, इसको जो ना अच्छे से पढ़ते हैं, पहले इसको उतार लेंगे उसके बाद हम पढ़ते हैं। देखो साथियों, रक्त के अलावा हमारे शरीर में जो है ना एक और द्रव्य होता है, उस द्रव्य को हम कहते हैं क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं, ठीक है ना। अब ये लसिका है क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आया। देखिए लसिका जो है ना आपको जो है ना सुनने में तो मिल जाएगा कि ये वो होता है ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। कभी आपने किसी को चोट लगते हुए देखा है क्या? यदि आपने देखा है ना, तो जब चोट लगती है ना गहरी चोट, तो स्टार्ट में आता है खून, ठीक है, लाल लाल, उसके बाद अंत में कुछ वाइट सा आता है, ठीक है, वो वाइट जो है ना वो क्या है, लसिका है, समझ में आ गया, ठीक है। यदि आपको नहीं पता, ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो लसिका वाइट जो है ना उसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ, देख लीजिए इसको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लसिका जो है वो होता क्या है। अब ये लसिका जो है वो बनता कैसे है, यह जो है ना हम पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, रुधिर के अतिरिक्त एक अन्य द्रव्य होता है जिसे लसिका कहते हैं, ठीक है। अब लसिका रक्त का छना हुआ भाग होता है जिसमें RBC का अभाव होता है। लसिका रक्त का छना हुआ भाग होता है। अब समझते हैं, देखिए लसिका जो है वो क्या होता है, हमारे जो वाहिनी होती है, मतलब बोल सकते हैं नसें जो होती है ना, वो नसें जो है ना बहुत ही पतली पतली होती है, और उन नसों में जो है ना हमारा खून बहता रहता है, इतना आपको पता है, ठीक है। और जब उन नसों में खून बहता है ना, तो जो है ना विसरण के द्वारा जो खून है ना वो छन कर, मतलब छन जाता है, किस तरीके से हम छन्नी से चाय को छनते हैं, तो होता क्या है कि जो चाय पत्ती होगी वो तो छन्नी में हो जाएगी, और जो द्रव होगा वो उस तो मतलब बाहर निकल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से बहुत थोड़ा बहुत जो है ना खून है ना वो छन कर उन नसों से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब छन के बाहर आ जाता है आता है ना, तब जो उस खून में जो हीमोग्लोबिन वगैरह थे वो तो उस नसों में रह जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो द्रव है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो द्रव बाहर आया है ना उसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है, और हीमोग्लोबिन की वजह से खून जो भी द्रव है वो लाल होता है, इसलिए जो है ना वो आपकी लसिका होती है ना वो सफेद होती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है, ठीक है। कैसे बनता है आपकी लसिका, ये आपको समझ में आ गया है ना, ठीक है, बस आपको समझना है। इसके बाद हम रेटने को तो हम याद जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, जिसमें RBC का अभाव होता है, रेड ब्लड सेल, मतलब जिसमें जो है ना लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव रहता है, क्यों होता है समझ लेना आप, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए देखिए लसिका
लसिका वाहिनी तथा लसिका पैव मिलकर जो है ना लसिका तंत्र का एक निर्माण करता है। ये भी जो है ना एक तंत्र बनाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में एक तंत्र बनाया है तो उस तंत्र को हम कहते हैं लसिका तंत्र। और लसिका का परिसंचरण लसिका तंत्र द्वारा होता है, और जो लसिका का जो परिसंचरण होगा ना वो लसिका के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो बस यही बोल रखा है इसमें, यह एक खुला तंत्र है। ये भी आप ध्यान रखना कि लसिका जो तंत्र है ना वो खुला तंत्र है, बंद तंत्र नहीं है, खुला तंत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वापस, आप आते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र पर। तो परिसंचरण तंत्र में रुधिर जो है एक तरल व्यवस्था के तौर पर क्या करता है, कार्य करता है, जो परिवहन योग्य पदार्थों को अभिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए जब परिसंचरण तंत्र होता है ना वहाँ पर जो हमारे रुधिर है ना वो क्या करता है कि एक तरल माध्यम के तौर पर जो है ना कार्य करता है। तरल माध्यम का मतलब क्या होता है कि एक स्थान पर दूसरे स्थान तक पहुँचाने वाला साधन, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको जैसे एक बीच में नदी खड़ी है, ठीक है, अब नदी से उस पार जाना है तो नदी से उस पार जाने का माध्यम क्या है, नाव होगा। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे शरीर में पोषक तत्व है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम ब्लड ही है, खून ही है। तो एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है। ये क्या करता है कि परिवहन योग्य जो पदार्थ होंगे ना उनको अभी गमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और इस पूरे तंत्र में, इस पूरे जो है ना जो कामकाज होता है ना परिसंचरण तंत्र, इसका जो केंद्र है, जो बादशाह है, वो कौन सा है, आपका हृदय, दिल है। दिल जो है आपका बादशाह है, ठीक है। अब दिल की हम बात सुनेंगे इसके बाद, ठीक है, लेकिन पहले जो है ना हम जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है ना उसको जो है ना समझ लेते हैं। इसका डायग्राम देखिए, कितना सिंपल सा डायग्राम जो है मैंने आपके लिए बना रखा है, आपके बुक में टफ सा डायग्राम दे रखा है। ये सिंपल सा डायग्राम यदि आपको पूछ लिया जाए रक्त परिसंचरण तंत्र का तो आप बना लेना, ठीक है। पहले क्या करना, एक बक्सा बना लेना, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से बक्सा बना लिया। देखिए ये आपने बक्सा बना लिया ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना एक बड़ी सी लाइन खींच लेना, और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेना। अब आपका रबर लेना, और रबर से जो है ना इसको मिटा लेना, और इस रबर से जो है ना इसको मिटा लेना। मिटा दिया, ठीक है। अब जो है ना क्या कर लेना, यहाँ पर जो है ना इस तरीके से दो कर लेना, ठीक है, दो आप बॉक्स बना लेना। अब इस बॉक्स को जो है ना किससे मिलाओगे, इससे, ठीक है, ये आपने मिला लिया इस बॉक्स को इससे, और इस बॉक्स को जो है ना इस तरीके से इससे मिलाओगे। मिला लिया, देखिए कितना आराम से बन रहा है। और यहाँ पर जो है ना इस बॉक्स को जो आमने सामने जो पास पास वाले बॉक्स होंगे ना उनको आप मिला लोगे, ठीक है। ये आपका जो है ना देखिए कौन सा होगा, इनको जो है ना, अब आप देखिए ये आपका दाया अलिंद बाया अलिंद, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पहले तो जो है ना आप याद कर लीजिए, पहले तो आप दाया बाया बस आपको समझ लीजिए, अलिंद और निलय क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। देखिए दाया जो है ना ये आपका कौन सा हाथ है, बाया हाथ है, ठीक है, और ये है आपका कौन सा हाथ है, दाया हाथ है, ठीक है। अब आप जो है ना कॉपी को कैसे देखो, ऐसे ही तो देख रहे हो ना, लेकिन आप ऐसा समझो कि कॉपी के अंदर जो है ना मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, अपने आप को समझे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ सीधा, ठीक है। तो अब मेरा जो है वो बाया जो दाया हाथ है वो कौन सा, ये हाथ है ना, ठीक है। तो इस साइड जो वो भाग होगा वो कौन सा होगा, दाया होगा, ठीक है, सॉरी इस साइड वाला जो भाग होगा वो इधर दाया भाग होगा ना, तो ये जो दाया हाथ है ना तो दाया हाथ की साइड जो आपका भाग होगा वो दाया भाग होगा। तो यहाँ पर दाया भाग कौन सा है, दाया आलिंद वाला, ठीक है। तो इस साइड वाले जो भी होंगे ना आपके दाया आलिंद कहलाएंगे, दाय निलय कहलाएंगे, और इस साइड वाले होंगे वो बाय आलिंद और बाय निलय कहलाएंगे, ठीक है। और यदि आपको जो है ना रटना है, मतलब याद करना है ना, तो आप ये देख लीजिए कि जो आपका दाया भाग बाय भाग होगा ना, जैसे कि ये आपका बाय भाग है, ठीक है, तो बाय बाय की साइड बाय भाग की तरफ जो है दाया भाग होगा, और आपकी जो बाय भाग है उस सॉरी जो दाया भाग है उस दाया भाग की तरफ बाया भाग होगा। इसमें आप कन्फ्यूज होगे, वो मैंने आपको जो ट्रिक बताई उस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा डायग्राम है। इसमें जो देखिए होता क्या है कि यहाँ से जो है ना देखिए पहले इसको जो है ना आप अभी से आपको समझ में नहीं आएगा, पहले हम हार्ट को समझ लेंगे ना, तो उसके बाद ये भी जो है ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं हार्ट को, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, प्यारा सा हार्ट है, हमारा दिल है, इसको समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे से। आपको जो है ना यहाँ पर PPT दिख जाएगी, आपको जो है ना डॉक्यूमेंट PDF फाइल दिख जाएगी, यहाँ पर मैं आपके लिए डायग्राम बनाऊंगा और उन डायग्राम से जो है ना हम फटाफट समझते हैं, ठीक है। चलिए चलो, तो अब हम बात करते हैं हृदय के बारे में, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में जो नाम हृदय क्या होता है पहले तो वो समझेंगे, और हृदय की संरचना कैसी होती है, कैसा हृदय दिखता है, और हृदय जो है वो काम क्या करता है, हमारा जो दिल है ना वो किस तरीके से काम करता है, उसका मेन काम क्या है, इन सब के बारे में जो है ना अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमने जो है ना हृदय को सबसे पहली बात तो बदनाम कर रखा है, क्यों बदनाम कर रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हृदय जो है वो होता क्या है। देखिए ये डायग्राम सिंपल सा मैंने बनाया है, बनाने की कोशिश की है, अच्छा लगा है तो ठीक है। इसको जो है ना कैसे बनाते हैं मैं जो है ना इस मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है ना आपको बता दूंगा कि हृदय कैसे बनाना है। बहुत सारे चित्र है
चैप्टर में से वो सभी कैसे बनाने हैं, उन सभी के बारे में जो है मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो देख लीजिए, सिंपल सा मैंने बनाया है, कोशिश की है हृदय बनाने की। तो इसमें देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, विभाजिका दिख रही है, दाया नीले दिख रहा है, सब कुछ दिख रहे हैं आपको, अभी से समझ में आएगा नहीं। हम जो देखिए हृदय की संरचना के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हृदय जो है वो कैसा होता है और कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप किताब में जाओगे या किसी गाइड में वगैरह जाओगे ना, तो आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा। अब उसको आपको याद करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो। अब इस इतने बड़े पैराग्राफ को याद कैसे करोगे, तो याद नहीं करना, उसको समझना है। कुछ कुछ उसके पॉइंट है, उस पॉइंट को आप समझ लीजिए, आपको जो है ना इसकी संरचना याद हो जाएगी। और काव्य विधि तो जो है ना इतनी सिंपल है कि इससे सिंपल तो जो है वो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसमें जो है ना काव्य विधि में हम सांप सीढ़ी खेल लेंगे, कैसे खेलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब हृदय की बात करें तो हृदय जो है ना सबसे पहला खोखला, देखिए खोखला वह लाल रंग का जो है ना भाग होता है, एक पेशी भाग है जो कि खोखला होता है। अंदर से जो है ना इतना मतलब भरा हुआ नहीं होता, खोखला तो आप समझते हो ना, जैसे कि पेन अंदर कुछ अगर भरा हुआ है तो यह खोखली नहीं है, और यदि खाली है तो यह खोखली है। तो हृदय खोखला और लाल रंग का जो है ना क्या होता है, एक पेशी उत्तक है। कौन से उत्तक है, पेशी। इसमें बहुत सारी पेशी पाई जाती है, ठीक है। अब ये किसके जैसा होता है, आपने ना अपने हाथ लो और उसके जो है ना मुट्ठी ऐसे बना लो, ठीक है। तो इस मुट्ठी के जैसा आपका हृदय दिखता है, किसके जैसा, मुट्ठी के जैसा। और इस हृदय का जो वजन है ना वो 300 ग्राम होता है। यदि आप अपने अंदर के दिल को निकाल के तोड़ोगे ना तो वो कितने ग्राम का हो जाता है, 300 ग्राम का हो जाता है, समझ लिए। इसके बाद देखिए यह हृदय जो है वो पाया कहा जाता है, यह हृदय जो है वक्ष गुहा में बाई और फेफड़ों के मध्य। देखिए वक्ष गुहा, सबसे पहले तो ये आपकी जो इतना भाग है ना ऊपर का, ये आपका वक्ष गुहा, ठीक है। अब जो है ना इसमें बाई ओर, देखिए ये आपका सेंटर भाग है। अब आपका बाई ओर कैसे होगा, जैसे कि मेरा बाई ओर ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड के थोड़ा सा इस साइड यहाँ पर जो है ना हृदय पाया जाता है अंदर की ओर। तो यही बोला गया कि वक्ष गुहा में बाई ओर फेफड़ों के मध्य, ये जो फेफड़े हैं ना, ठीक है ना, इन फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है। अब फेफड़ों में के मध्य में क्यों पाया जाता है, भगवान ने ऐसा क्यों कहा, क्यों बनाया, क्योंकि यदि आपको सीने पर कोई ठोक वोक लेना तो हृदय को आघात न हो, हृदय को लगे नहीं, इसलिए ये फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। चुपके से जो है अंदर बैठा जाता है और अपना काम करता है, समझ में आ गया इतना। देखिए जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, वही आपको गाइड में चाहे देख लो, आप चाहे बुक में दे दो देख लो, या फिर जो है ना मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें भी जो है ना सेम यही लिखा हुआ है, इन सब टॉपिकों के, इन सब पॉइंटों के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंटों को याद करना है, ठीक है। और इन सभी पॉइंटों को मिलाकर हम एक बड़ा सा पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं, वो मैंने इस इसका जो है ना पूरा जो मतलब पीडीएफ है, उस पीडीएफ में पूरा जो है पैराग्राफ बना के बता दिया है। आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जो है ना हृदय के चारों ओर जो है ना क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है। आवरण आप समझ रहे हो ना, एक मतलब एक त्वचा पाई जाती है, ऐसा समझ लीजिए। तो यह जो आवरण है ना, इस आवरण को हम बोलते हैं हृदयावरण। अब हृदयावरण का मतलब क्या होता है, इसको तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको मिलेगा कि हृदय प्लस आवरण, ठीक है ना, हृदय प्लस आवरण, ये क्या हो जाएगा, हृदयावरण। तो आपको जो है ना ये सिंपल याद हो जाएगा कि हृदयावरण क्या होता है, कि हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, उसे हम हृदयावरण कहते हैं। अब देखिए ये जो आवरण होता है ना, वो दो परतों से मिलकर बना हुआ होता है। कितनी परतों से मिलकर, दो परतों से मिलकर। ऐसा समझ लीजिए कि यह पेन है, इस पेन के आपने चारों ओर एक आवरण बना लिया, और आवरण किसका बना लिया, एक आपने पेज लिया है, और वो पेज कौन सा है, दो पेज लिए, एक पेज नहीं दो पेज लिए। तो इसके ऊपर पेज जो लपेटा है ना, वो तो हो गया आवरण, और कितने आपने पेज लपेट दो, तो यह दो तरीके के जो है वो आवरण हो गए। यही जो है इसमें बोला गया, दो परतों से मिलकर बना हुआ होता है, और इन दोनों परतों के बीच में जो है ना एक लसदार द्रव भरा हुआ होता है, मतलब लसदार एक पानी भरा हुआ होता है, जैसे मतलब लसदार होता है, ठीक है, एकदम चलता नहीं होता, थोड़ा बहुत लसदार होता है, और इस लसदार पानी को हम बोलते हैं हृदयावरणी द्रव। देखिए पानी होता है इसलिए द्रव बोल लिया, और हृदयावरणी मतलब हृदय के आवरण में पाए जाने वाला द्रव, ठीक है। तो हृदयावरणी द्रव क्या होता है और हृदयावरण क्या होता है, आप समझ लिए ना अच्छे से, आ गया समझ में कि हृदय के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को हृदयावरण कहते हैं, और ये हृदयावरण दो परतों से मिलकर बना हुआ होता है, और इन दोनों परतों के मध्य पाए जाने वाले लसदार द्रव को हम हृदयावरणी द्रव कहते हैं। इतना आगे समझ में ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यह हृदय जो है ना, अब हम इस देखिए ये तो जो है ना हमने पढ़ लिया कि कहाँ पाया जाता है, अब हम इसकी संरचना पढ़ रहे, जैसे कि हृदयावरण पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं जो हृदय जो है ना वो चार भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। कौन कौन से भाग, देखिए पहला भाग, दूसरा भाग,
तीसरा भाग और ये चौथा भाग, चार भागों से जो है ना मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो आपका जो देखिए आपका जो बायां हाथ होगा ना वो इस हर ये जो फोटो बनाया है ना इस फोटो का दायां होगा। ठीक है, और जो आपका दायां हाथ होगा ना वो इस फोटो का बायां होगा। ये पहले आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी समझाया था। ठीक है, तो इसमें जो है ना क्या होता है कि दो तो आलिंद पाए जाते हैं और दो निलय पाए जाते हैं। आलिंद जो है ना ऊपर वाले भाग जो है ना एक और तीन, ये वाले ऊपर वाले भाग आलिंद होते हैं और नीचे वाले भाग जो है ना क्या होते हैं निलय। ठीक है, और ये देखिए जैसे कि आपका कौन सा दाया भाग, तो ये आपका जो है क्या हो गया दाया आलिंद और ये आपका हो गया दाया निलय। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका बाया आलिंद और ये आपका हो गया बाया निलय। तो दाया आलिंद दाया निलय और बाया आलिंद बाया निलय, समझ में आ गया क्या होता है आलिंद और निलय जो है ना, मतलब इसमें संरचना होती है, इनके नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है इतने हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए जो आलिंद होता है ना, ये आलिंद है जैसे कि एक और तीन, ये ऊपर वाला आलिंद है और इन आलिंदों के बीच में जो है ना एक क्या पाया जाता है, देखिए एक जो है ना पट्टी पाई जाती है। इन आलिंद ये जो आलिंद है ना एक और तीन, इनके बीच में देखिए एक ये पट्टी पाई गई है। ठीक है ना, ये वाली पट्टी, इस पट्टी को जो है ना हम बोलते हैं अंतवा आलिंद पट। क्या बोलते हैं? अंतवा आलिंद पट, समझ गए ना, अंतवा आलिंद पट कैसे कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से बाई और देखिए बाई और कौन सा, ये बाई और के आलिंद और बाई और के निलय के बीच में जो है ना द्विद्वल द्विदल, कौन सा द्विदल कपाट पाया जाता है, कौन सा कपाट, द्विदल कपाट। कपाट जो है ना एक तरीके से बोल सकते हो, देखिए मैं आपको इसका जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। आप जो है ना अपना हाथ लेना और हाथ में जो है ना नसों को देखना, तो नसों को जो है ना अपने नसों को जो है ना नसों के ऊपर अपने उंगलियों को फेरते फेरते जाना और आपको जो है ना कभी महसूस होगा कि बीच में जो है ना एक, मतलब आप बोल सकते हो कि बीच में एक आप बोल सकते हो कि ब्रेकर आ गया। ठीक है ना, जिस तरीके से गाड़ी सड़क के ऊपर ब्रेकर आता है ना उसी तरीके से एक आपको गाठ की गाठ दिखेगी। ठीक है, नसों में, तो वो जो गाठ की गाठ होती है ना उसको हम बोलते हैं कपाट। तो ठीक है, इसी तरीके से जो है ना इसमें भी कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में, कपाट कैसे पाए जाते हैं, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विदल कपाट पाया जाता है, मतलब दो दलों से मिलकर बने हुए होता है द्विदल कपाट पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो है वो त्रिदल कपाट पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब ये कपाट जो है ना क्या काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कपाट जो है ना जो हमारे ब्लड फ्लो होता है ना, जो रक्त का प्रवाह होता है ना उसको उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। ठीक है ना, मान लो जो है ना ये ब्लड जो है ना ऐसे बह रहा है तो ये कपाट जो है ना इसको ऐसे ही बहने देगा, यदि कपाट नहीं होंगे ना तो रक्त जो है वो ऐसे बहने लग जाएगा और जो है ना सिस्टम उल्टा हो जाएगा। तो कपाट का काम होता है, कपाट का काम होता है रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। आ गया समझ में अच्छी तरीके से? ठीक है, अब देखिए मैं एक एक यहाँ पर समझाता जाता हूँ। ये आपका हृदय है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसे विभाजिका की। ये विभाजिका क्या होती है, देखिए ये जो है ना निलय है और ये भी निलय, इन दोनों निलयों के बीच में जो है ना एक ये विभाजिका पाई जाती है। ये विभाजिका क्या करती है, इन दोनों निलय को अलग करती है, दोनों भागों को अलग करती है, इसलिए इसे जो है ना हम बोलते हैं विभाजिका। ये आपका आ गया दाया निलय, इसे आप समझ चुके हो, ये आपका बाया निलय, इसे भी समझ चुके हो। ठीक है, ये आपका दाया आलिंद और ये आपका बाया आलिंद, इन सबको जो है ना हम समझ चुके हैं। अब देखिए ये सबसे पहला आ गया आपका क्या है, निचला महाशिरा। ये महाशिरा क्या होता है इसको आप समझिए, निचला महाशिरा इसको ये क्या होता है। देखिए महाशिरा की बात करें ना तो हमारे शरीर में जो है ना दो धमनियाँ होती है। ठीक है, एक तो आपका शिरा होता है और एक आपकी आती है आर्टरी धमनी। ठीक है ना, एक तो आपकी धमनी होती है और एक आपका होता है शिरा होता है। धमनी क्या करती है, उन धमनियों में जो ब्लड जो रक्त का प्रवाह होता है ना वो शुद्ध होता है और जो शिरा में रक्त का प्रवाह होता है ना वो अशुद्ध होता है। ठीक है, धमनी और आपको शिरा समझ में आ गया, देखिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया शिरा और ये है आपकी धमनी। अब धमनियों में कौन सा जो रक्त है वो कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध, और इसमें जो है वो अशुद्ध बहता है, समझ में आ गया। ठीक है, अब जो है ना ये आपकी जो बोल लो, ये ऐसे शुद्ध लिख लेता हूँ, अब बोल लो कि धमनी जो है ना बहुत सारी होगी आपके शरीर में, सीधी सी बात ये है, और जो शिरा है वो भी बहुत सारी होगी शरीर में, तो बहुत सारी शिराएं मिलकर एक जो है ना बड़ी नली में जो है ना चेंज होती है, उस बड़ी नली को हम बोलते हैं महाशिरा। मतलब बहुत बड़ा है ना, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन इनकी तुलना में बहुत ही बड़ा शिरा होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं महाशिरा। अच्छा, ये महाशिरा क्या करेगी कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध खून होगा ना उस अशुद्ध खून को एक जगह एकत्रित करेगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपकी धमनी बोल लो, तो धमनियाँ भी बहुत सारी होती है, तो बहुत सारी धमनियाँ मिलकर जो है ना एक बड़ी नली में जो है ना वो चेंज होगी, उस बड़ी नली को हम कहेंगे महाधमनी। समझ में आ गया ना, महाधमनी और महाशिरा को अच्छे से आपने समझ लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया महाशिरा। महाशिरा दो तरीके के होते हैं इस हार्ट में, एक तो होता है निचला महाशिरा जो नीचे से आता है और एक होता है ऊपरी महाशिरा। ठीक है, दोनों पास पास होते हैं, देखिए यह निचला और ये है ऊपरी महाशिरा,
और जस्ट इसके पास जो है ना ये वाली जो है आपकी क्या है महाधमनी, महाधमनी आप समझ चुके हैं ना क्या होती है, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये आपकी फुफ्फुसीय शिरा होती है, ये आपके बोल लो एक और ये दो, ये आपकी दोनों जो है वो फुफ्फुसीय शिरा होती है। अच्छा फुफ्फुसीय शिरा क्या होती है, ये जो है ना ऐसी बोल सकते हो ऐसी नली होगी जो जिनका संबंध जो है ना किससे होगा, फुफ्फुस से, मतलब फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ों। तो ऐसी नली जिसका संबंध जो है ना या फिर ऐसी शिरा जिसका संबंध फेफड़ों से होगा उन्हें हम कहेंगे फुफ्फुसीय शिराएं। अब इनका काम क्या है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा, इतना आगे समझ में कि इनका क्या काम है और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब जो है ना हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं इसकी क्रियाविधि को। देखिए आप जो है ना पेन को सब रख लीजिए और सिर्फ यहाँ पर ध्यान लगाइए, हम जो है ना यहाँ पर जो है ना क्या खेलने वाले हैं, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी बोल सकते हो, कोई भी आप गेम बोल सकते हो, सांप सीढ़ी हम जो है अच्छे से खेलने वाले हैं, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, क्रियाविधि क्या जो आपको देखिए इसकी पीडीएफ होगी ना वो पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इसलिए जो ना आप लिखने का काम छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, आप सिर्फ देखिए, ठीक है। लिखने का काम आप बाद में कर लेना। सबसे पहले क्या होता है कि महाशिवा जो होती है ना, उन महाशिवा, महाशिवा आप समझते हो ना, महाशिवा में अशुद्ध खून होगा, ठीक है। तो महाशिवा देखिए सबसे पहले मैं पॉइंट पे आता हूँ कि ब्लड जो है ना, हार्ट जो है ना वो काम क्या करता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, जो खून का प्रवाह है ना पूरे शरीर में, वो खून का प्रवाह करता रहता है, समझ में आ गया, खून का प्रवाह करता रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो खून अशुद्ध है ना, उस अशुद्ध खून को जो है ना वो शुद्ध करता है, उसमें जो ऑक्सीजन नहीं है उसको वापस ऑक्सीकृत करता है, समझ में आ गया। ये जो है ना हार्ट का काम है, कैसे करता है देखिए, सबसे पहले अशुद्ध खून कहाँ से आएगा, महाशिवा से, इस हार्ट में। तो अशुद्ध खून जो है ना सबसे पहले कहां पर आ जाता है, अशुद्ध खून इस एक नंबर कपार्ट में आता है, एक नंबर भाग में आता है, जो कि कौन सा है आपका, दाया आलिन। सबसे पहले एक नंबर भाग में आया, दाया आलिन में आया, ठीक है, अशुद्ध खून दाया आलिन में आया, और जैसे ही दाया आलिन भरेगा ना वैसे ही जो है ना ये कपाट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, त्रिदल कपाट जो है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, खुल गए त्रिदल कपाट। तो इससे क्या होगा कि त्रिदल कपाट जब खुला ना, तो यहाँ से जो ये ब्लड है ना, ये जो खून है ना, वो रक्त जो है वो इस दाय नले में आ गया, ठीक है, ये अशुद्ध रक्त है, दाय नले में आ गया। अब दाय नले जो है वो भर रहा है, तो जैसे दाय नले भरता है ना, तो ये हार्ट जो है ना वो क्या डब 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 ऐसे होता रहता है ना एकदम, मतलब संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है, फैलता है। तो जैसे ही हार्ट संकुचित हुआ, मतलब सिकुड़ा ना, तो वैसे ही जो है ना यहाँ से जो खून है वो सीधा यहाँ पर चला गया, ठीक है, कहाँ पर चला गया, इस यहाँ पर, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, महा सॉरी फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय शिरा, समझ में आ गया। जैसे जो आपका हार्ट है, जो दिल है, वो संकुचित हुआ, सिकुड़ा, तो यहाँ से दाएं नले से जो है ना खून जो है सीधा फुफ्फुसीय शिरा में चला गया, और फुफ्फुसीय शिरा से सीधा जो है कहाँ पर जाएगा, फुफ्फुस का मतलब फेफड़े होते हैं, तो सीधा जाएगा फेफड़ों में, फेफड़ों में खून चला गया। अच्छा फेफड़ों में क्या काम होता है, फेफड़ों में क्या होता है कि जो आपकी श्वसन तंत्र है ना वो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, थीके? तो मतलब खून जो है वो फेफड़ों में गया है, तो वहाँ बाहर से ऑक्सीजन आती है, तो जो है ना क्या होगा, वहाँ से जो है ना वो ऑक्सीजन उन खून में मिला ली जाती है, खून में मिला ली, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है ना वो खून जो है वो रक्त जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल गई है, और जैसे ऑक्सीजन मिल जाएगी ना, अब फेफड़े क्या बोलेगा, भाई देख तेरा काम हो गया, तो अब यहाँ से निकल, तो उसको निकलने के लिए अब वापस कहाँ से आएगा, जहाँ से आएगा, जहाँ से गया था उसके दूसरी सड़क से आएगा, तो वो दूसरी सड़क कौन सी है, वो भी फुफ्फुसीय शिरा है, तो अब जो है ना यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, कहाँ से आ गया, यहाँ से फुफ्फुसीय शिरा से आ गया, दूसरे वाले फुफ्फुसीय शिरा से, ये पहला और ये दूसरा फुफ्फुसीय, दूसरे फुफ्फुसीय शिरा से जो है ना कहाँ पर आ गया, अब बाय आलिंद में, बाय आलिंद में आ गया, ठीक है, इतना आप समझ गए ना, ठीक है। अब बाय आलिंद में आने के बाद ये जब भरेगा ना, तब आपका ये जो द्विदल कपाट है ना, ये आपका द्विदल कपाट ये खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और जब खुल जाएगा तो आपका जो पूरा ऑक्सीकृत खून है, ऑक्सीकृत ब्लड है, वो इस बाय नले में आ जाएगा, आ गया बाय नले में, अब क्या होगा, अब है आपका हार्ट क्या हो जाएगा, संकुचित होगा, समझ गया, संकुचन मतलब सिकुड़ेगा, तो जैसे हार्ट सिकुड़ेगा, तो यहाँ से खून जो है ना, यहाँ से ब्लड जो है सीधा कहाँ पर जाएगा, सीधा यहाँ से होते हुए सीधा इस महाधमनी में चला जाएगा, सीधा महाधमनी में जाएगा, तो अब क्या होगा, महाधमनी जो है वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से लेफ्ट में से निकलेगी, और जो है ना महाधमनी मतलब ऑक्सीकृत खून है, ऑक्सीकृत खून पूरे बॉडी में चला जाएगा, और जैसे ही पूरे बॉडी में ऑक्सीकृत खून जाएगा, तो होगा क्या, पूरे बॉडी को जो है ना ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो पूरे बॉडी को ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे शरीर को जो है ना जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इन द फॉर्म ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो होती है। समझ लिए पूरे प्रोसेस को, कितना सिंपल सा है, देखिए ये पूरा खेल है आपका। सबसे पहले
आपका अशुद्ध खून जो है वो कहाँ पर आएगा, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फुफ्फुस से शिवा से फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर जो है वापस फुफ्फुस से शिवा से दूसरे वाले फुफ्फुस से शिवा से बाएं आलिंद में आ जाएगा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगा और बाएं नीले से सीधा आपके धमनी से महाधमनी से होते हुए पूरे बॉडी में जो है पूरे शरीर में चला जाएगा। इससे क्या होगा, पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का प्रवाह अच्छे से हो जाएगा। समझ लीजिए इसकी पूरी प्रोसेस। अब इसका काम जो है ना यही है कि पूरे शरीर में जो है ना रक्त का परिसंचरण करते रहना। अब हमने बोल लिया कि दिल जो है वो टूटता है, दिल ऐसा होता है, दिल वैसा होता है, दिल के ऊपर बोझ हो जाता, कुछ नहीं है, दिल का काम ही यही है। इसके अलावा कोई दिल जो है हार्ट जो है दूसरा काम करते ही नहीं है, दिल के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। आप समझ रहे हो ना, दिल जो है इसका सिर्फ काम यही होता है। आपको बहुत बार बोला गया कि आपका जो दिल कहता है वो करो, दिल तो भाई कोई कहते ही नहीं, दिल का तो काम करता रहता है अपने आप, वो तो चुपचाप जो है फेफड़ों के बीच में बैठा हुआ काम करता रहता है, दिल तो कुछ कहता ही नहीं है, दिल का तो अपना काम है वो करता रहता है। ठीक है, तो आ गया पूरा समझ में, हृदय जो है अच्छे से समझ में जो है वो आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब जो है ना हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की, बहुत ही अच्छा ये भी टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है ना हमारा एक टॉपिक बाकी रहेगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि आप जो है ना बार बार क्लास में ये अंगुली ऊपर करते हो ना, इसका क्या कारण है, मतलब आपको बार बार जब टॉयलेट आती है तो टॉयलेट आने का क्या कारण है और ये टॉयलेट बनती कैसे, इन सब के बारे में जो है ना हम इस उत्सर्जन तंत्र में पढ़ने वाले। ठीक है, अच्छे से समझना, आपके काम की चीज़ है। देखिए, हम बात करें उत्सर्जन तंत्र की, तो हम क्या करते हैं, देखिए दिन पर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं गंदगी, ठीक है ना, बहुत कम है जो मतलब क्या करते हैं हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन मतलब उसको छोड़े ना तो हम जो है वो गंदगी ही खाते रहते हैं। तो जो है ना हम क्या कर, होता क्या है कि हमारी बॉडी क्या करती है कि जो काम की चीज़ है ना, जितने काम की चीज़ है जितने हमारी बॉडी को आवश्यकता है उतनी तो ले लेती है, उसके बाद जो भी अपशिष्ट बचता है ना, मतलब सड़ा गला खाना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है ना, और भी बहुत सी यूरिया हो गया, ये सब जो बचते हैं ना उनको जो है ना बाहर निकालने का काम जो है वो करना ही पड़ता है। अब इनको बाहर कैसे निकाले, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको तो जो है ना हम श्वास द्वारा बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि लवण वगैरह हो गए, उनको हम कैसे बाहर निकालते हैं, जो पसीना होता है ना उससे जो है वो लवण जो है वो बाहर आते हैं। अच्छा, जैसे कि आपका पसीना होता है ना, तो उसको आप करके कभी टेस्ट करके देखना, तो वो होता क्या है कि आपको कुछ मतलब ऐसा मतलब बोल सकते खावा खावा लगेगा, ठीक है ना, कड़वा सा कड़वा नहीं बोल सकते, थोड़ा खावा लगेगा इस तरीके से, वो क्षार होता है। आपको और भी ट्राई करना है ना, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए और अपने कान के पीछे इसको रगड़िए, और इसके बाद जो है ना अपने इस हाथ को टेस्ट कीजिए, आपको जो है खावा खावा लगेगा। ये किससे किसके वजह से लगता है, हमारी बॉडी से, बॉडी जो है ना हमारे अंदर जो है ना लवण जितने भी बनते रहते हैं उन लवण को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से यूरिया वगैरह होते हैं, इन सबको भी जो है बाहर निकालने का काम करना पड़ता है। तो उसके लिए भगवान ने हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र बनाए हैं। अभी उत्सर्जन तंत्र होता क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए इसकी पहले तो परिभाषा देखते हैं कि शरीर की वह व्यवस्था जिसमें शरीर की कोशिका द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। वही मैंने जो बोला है कि इसमें जो अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में वो एक तंत्र द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, उस तंत्र को ही हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब उत्सर्जन तंत्र की हम व्यवस्था पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र होता कैसा है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें ना, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में जो है ना टोटल 4 अंग होते हैं, 2 त्वक्र हो गए, उसके बाद जो है ना आपका एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रवाहिनी और एक होता है आपका मूत्रमार्ग। ठीक है, ये टोटल जो है 4 अंग होते हैं, इन 4 अंगों को जो है ना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये आपका सिंपल सा जो है ना एक बोल सकते हो कि मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको बना सकते हो, यदि नहीं बना सकते तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, हार्ट और आपका उत्सर्जन तंत्र मैं सभी जो है उसमें समझा दूंगा। तो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को भी अभी हम समझेंगे। और जो है ना हम सबसे पहले देखिए इस पूरे प्रोसेस में उत्सर्जन तंत्र में जो अपने शरीर से टॉयलेट बनता है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस में सबसे मेन काम होता है वो वक्र का होता है। अरे ये वक्र जो है वो क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए वक्र को जो है ना हम कहते हैं किडनी, किडनी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, वक्र हम बहुत ही कम बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। तो जो किडनी है ना वो जो है ना इस पूरी प्रोसेस का मुख्य है, आप ऐसा समझ लीजिए कि राजा है, यही जो है सब कुछ काम करता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम दो वक्र की, किडनी जो है हमारी बॉडी में दो होती है, पहली बात तो ये किडनी हमारे बॉडी में दो होती है और किडनी का काम हम समझते है। तो किडनी जो है ना क्या करती है, लगभग 75-80% तरल अपशिष्ट बाहर निकालता है, लगभग 75-80%, मतलब यदि 100% 100 लीटर यदि आप सॉरी 100 मिलीलीटर यदि
तो अपशिष्ट तरल पदार्थ बन रहे हैं ना, तो उसमें से 80 मिलीलीटर जो है ना, आप बोल सकते हो कि क्या क्या कह रहा है, 80 मिलीलीटर को हमारे जो ये वक्र है ना, वो वक्र इस अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो ये छोटा सा फैक्ट है, इसको याद रखना है। अच्छा, अभी बात करते हैं इस वक्र की। तो वक्र का जो रंग होता है ना, वो गहरा भूरा रंग होता है। ठीक है, आपको इसकी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। फिलहाल तो हम इसको समझते हैं, पॉइंटों से हमें याद करना, तभी बड़े बड़े क्वेश्चन याद होंगे, क्योंकि इस साल आपको बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसकी जो संरचना होती है ना, वो सेम के दानों के समान होती है। किसके दान? सेम के दाने, हम बोल सकते हो ऐसा कुछ ऐसा आता है। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए ना, इस तरीके से ये सेम के दाना कुछ होते हैं। तो ये जो है ना, सेम के दानों के समान इसकी संरचना होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? देखिए, इसको भाषा को समझ छोड़िए, पहले मैं बताता हूँ कहाँ पाया जाता है। आप जो है ना, अपने हाथ दोनों हाथ पीछे लेना, और पीछे जो है ना, आपके जहाँ पर फेफड़े ये खत्म होते हैं, पसलियाँ खत्म होती है, उस पसलियों के नीचे जाना, और जो है ना, आपकी जो कमर होती है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके जो है ना आसपास देखना, जहाँ पर आपको थोड़ा हल्का हल्का लगेगा, हल्का हल्का बोल सकते हो, मतलब थोड़ा ऐसा बोल सकते हो गीला गीला लगेगा ना, वो बागी जो है ना आपका क्या है, किडनी है। दो किडनी पाई जाती है, दोनों जो है ना दाएं बाएं पाई जाती है। तो यही बोल रखा है, देखिए उदर गुहा में, मतलब आप बोल सकते हो कि पेट की गुहा जो होती है, वहाँ पर आमाशय के नीचे जो है ना, पीठ की ओर, किसकी ओर? पीठ की ओर, मतलब कमर की ओर जो है ना, कशेरुकी दंड, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, दाएं और बाएं, यह किडनी पाए जाती है, समझ लिए। अच्छा, इस किडनी के जो है ना, हम बात करें इसके आंतरिक संरचना की, तो इस किडनी के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन से होते हैं? बाहरी वलकुट, और दूसरा होता है भीतरी मध्यांश, जिसे मॉड्यूल भी बोलते हैं। ये इसका जो है वो भीतरी भाग है। ठीक है, अब जो है ना, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भीतरी भाग की। तो भीतरी भाग में जो है ना, ये आपका जो है ना, एक किडनी है, इस किडनी को बीच में से काट लिया, ठीक है, ऐसे ही खड़ा का खड़ा, तो बीच में से काटे हुआ ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपका ऐसे मैं स्केच डायग्राम बता रहा हूँ। तो जहाँ से जो है ना, बहुत सारी कोशिका है, बहुत सारी जो है ना, धमनियाँ, शिरा बोल सकते हो, वाह, या इसके अंदर आती है ना, उस वाले भाग को जो है ना, हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, हाइलम मैंने आप बताया कि आप जो है ना, देख लेना, हाइलम जो है ना, किसको बोलते हैं? जहाँ से बहुत सारी, मतलब बोल सकते हो कि इस वक्र का, इस किडनी का बोल सकते हो कि फाटक, ठीक है, जो डोर होता है, मेन डोर जो है आपका हाइलम है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, और इसका जो बाहरी भाग है ना, उसको हम बोलते हैं बाहरी वलकुट, जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इसका आंतरिक भाग है, इसके हम बोलते हैं मॉड्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं कि भीतरी मध्यांश, यह इसका आंतरिक संरचना है। समझ में आ गया? देखिए हम समझते हैं, इस उत्सर्जन तंत्र, ये पूरा उत्सर्जन तंत्र है, इस उत्सर्जन तंत्र में दो तो किडनी आ गई, ठीक है, इसके बाद जो है ना, आपका मूत्रवाहिनी आ गई, आपने देख लिया मूत्रवाहिनी, इसके बाद आपका मूत्राशय आ गया, उसके बाद आपका गया मूत्रमार्ग। ठीक है, किडनी क्या काम करेगी? किडनी की संरचना आपने समझ ली, किडनी कैसे काम करती है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूत्राशय की ना, तो मूत्राशय क्या होगा? देखिए, मूत्र का आशय, मतलब मूत्र को जो यूरिन है, जो टॉयलेट है, उसको आश्रय देने वाला, आश्रय मतलब जगह देने वाला, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, जितना भी मूत्र हमारे बॉडी में बनता है ना, वो इससे एक थैलीनुमा संरचना होती है। देखिए, यह जो एक थैलीनुमा संरचना होती है, इस संरचना में आकर जो है वो मूत्र जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही जो है ना, ये बह जाता है ना, मतलब फुल हो जाता है, तब जो है ना, हमारे तंत्रिका तंत्र से दिमाग को संकेत जाता है, और दिमाग बोलता है कि भाई फटाफट टॉयलेट के अंदर जा, तभी जो है ना, हम उंगली पर करते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो है ना, ऐसे प्रोसेस होता है, ये आपकी मूत्राशय होगी है। ठीक है, मूत्राशय में जो टॉयलेट लाने का काम कौन करते हैं? देखिए, टॉयलेट बनता है इस आपके यकृत में, आपको बोल सकते हो किडनी में बनता है, तो किडनी से इस मूत्राशय में लाने का काम जो है ना, कौन करती है? मूत्रवाहिनी करती है। मूत्रवाहिनी दो नली होती है, दो नलियों के सहारे जितना भी टॉयलेट बनता है ना, वो जो है ना, इस मूत्राशय में आता रहता है। समझ लिए बात? इसके बाद लास्ट में आता है मूत्रमार्ग, मतलब मूत्र जो है ना, हम कहाँ से बाहर निकालेंगे, उसे हम कहते हैं मूत्रमार्ग। ये तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, आप जो है ना, इसको समझ सकते हो, डायग्राम बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हो। और आप बोलोगे कि सर, हमें तो जो है ना, इसके लिखित में नोट्स भी चाहिए, तो नोट्स तो जो है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है IBSC इंड्यूस क्लासेज, वहाँ पर भी जो है आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जो है आकर आप डाउनलोड कर सकते हो, और यदि कोई डाउट हो तो हमें पूछ भी सकते हो। ठीक है, आंतरिक संरचना हमने देख ली क्या होती है, इस तरीके से कुछ बनाना है, आपका बाहरी वलकुट कॉर्टेक्स होता है, भीतरी मध्यांश मॉड्यूलर होता है, और एक आपका हाइलम होता है, इस तरीके से बनाना है। अब हम बात करते हैं कि मूत्र जो है वो, यूरिन जो है वो बनता कैसे है, इसकी हम बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अभी स्टार्ट करते हैं और अभी फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मूत्र का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र जो है ना, उसकी क्रिया विधि क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात यह है कि यदि आपके पास गेहूँ है, ठीक है, 10, 20, 30 किलो गेहूँ है,
और उस गेहूं में यदि बहुत सारे कंकड़ गिर जाए तो क्या आप उस गेहूं को फेंकोगे या फिर उस गेहूं से कंकड़ को हटाने का काम करोगे? आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, हम उस गेहूं में से कंकड़ को हटाने का काम करेंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम खाते हैं ना, तो उसमें जो है ना, देखिए रक्त तो बनता है लेकिन जो है ना बहुत सारे अपशिष्ट होते हैं, बहुत सारे जो है ना बोल सकते हैं कि यूरिया वगैरह होते हैं, वो जो है ना बनते हैं ना, उसके वजह से वो खून में मिल जाते हैं। तो जो है ना हमें टाइम टू टाइम समय समय पर जो है वो खून की मतलब सफाई करनी आवश्यक होती है। जिस तरीके से हम अपनी बॉडी की सफाई करते हैं, जिस तरीके से हम गेहूं में कंकड़ मिल जाते हैं तो गेहूं को साफ करते हैं, उसी तरीके से जो है वो खून को भी साफ करना आवश्यक होता है। ठीक है, समझ के बात ना, तो यही पूरी प्रोसेस जो है ना इस उत्सर्जन तंत्रों की क्रिया विधि में होगा। देखिए हम बात करें उत्सर्जन तंत्रों की क्रिया विधि की, तो जो है ना देखिए वक्र जो है ना, आपने सुना किडनी, किडनी की सबसे छोटी इकाई, मतलब किडनी में जो है ना सबसे छोटा सा एक अंग होता है ना, उसे सबसे छोटी इकाई को जो है ना हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे नेफ्रॉन, हम बोल सकते हैं कि लगभग किडनी में, एक किडनी में लगभग 3 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 3 लाख एक किडनी में, 3 लाख नेफ्रॉन का मतलब आप समझ रहे हो कि छोटी सी किडनी है उसमें 3 लाख नेफ्रॉन, इसका मतलब कितने पास पास होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये नेफ्रॉन। इनको जो है ना हमने जूम करके जो है ना देखा है तो इतना बड़े हमें दिख रहा है। ठीक है, ये नेफ्रॉन की संरचना है, मैं लिख लेता हूँ नेफ्रॉन की संरचना, यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए होता क्या है, नेफ्रॉन को जो है ना हमने दो भागों में बांट लिया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग है? सबसे पहला भाग जो है ना ये वाला जो हमें किसका दिख रहा है, एक मतलब बोल सकते हो कि एक बड़ा सा गोले के समान दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। इस बड़े वाले भाग को हम बोलते हैं बोमेन संपुट, और दूसरा भाग है ये वाला। ठीक है, इस भाग को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं वक्र नलिका। ठीक है ना, बोल सकते हैं पक्व ने ये वक्र नलिका है। समझ में आ गया ना? तो हमने नेफ्रॉन को दो भाग में बांट लिया, सबसे बोमेन, सबसे पहले बोमन संपुट, उसके बाद वक्र नलिका। ठीक है, बोमन संपुट में सबसे आगे जो है ना, सबसे का सबसे आगे जो है ना, इस खाली जगह में जो है ना बहुत सारे जो है ना छोटे छोटे कोशिकाओं की जो है ना बोल सकते हैं संरचना पाई जाती है, जिसमें बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। समझ में आ गया बात? ग्लोमेरुलस क्या होता है कि इस बोमन संपुट के आगे बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं की संरचना पाई जाती है, गुच्छा पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो है ना इस बाकी को जो नाम बोमन संपुट तो बोलते हैं। इसके बाद देखिए वक्र नलिका भी जो है ना, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए सबसे जो इस बोमन संपुट का सबसे पास्ट होता है ना, इसलिए इसे सबसे पास होता है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, समीपष्ट, सबसे पास वाला भाग समीपष्ट नलिका बोलते हैं। और जो है ना यह आपका होता है हेलनिनुप। देखिए ये जो इसे ना हम बोलते हैं हेलनिनुप, मैंने ढंग से नहीं बनाया लेकिन ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, किस तरीके का? इस तरीके का। हेलनिनुप का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हो कि हेयर पिन बोल सकते हो। हेयर पिन आपने जो है ना देखी होगी ना, जो आपकी बहन वगैरह लड़कियाँ वगैरह जो है वो बालों में डालती है, तो वो जो हेयर पिन किस तरीके से गोल गोल आती है, उसी तरीके से यह भी उसकी संरचना उसके जैसी होती है, जिसको हम बोलते हैं हेलनिन लूप। ठीक है, साथ ही साथ सबसे लास्ट वाला भाग जो है वो दूरस्थ कुंडलित भाग होता है, ये जो है ना मूत्र मार्ग में रास्ता जाता है, ये नली जो है वो कहाँ पर जाती है, मूत्र मार्ग में जाती है। समझ में आ गया? ये नेफ्रॉन की संरचना को तो समझ जा ही होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं इसके क्रिया विधि। देखिए यह वाला सिवा जो है ना, यह वाला सिवा जो है ना किससे लगा हुआ होता है, आपके इस वक्र से। ठीक है, वक्र के जो स्टार्टिंग भाग है वहां से लगा हुआ होता है, तो यहां से जो है ना क्या आ गया, अशुद्ध रक्त आ गया। ठीक है, अशुद्ध रक्त आ गया, अशुद्ध रक्त, समझ में आ गया। अब जैसे अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया ना, तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस वो भूखा बैठा है। किसका भूखा बैठा है? कि इस अशुद्ध रक्त में जितने भी पोषक तत्व होंगे, जितने भी विटामिन होंगे, जितने भी खनिज लेवल होंगे, जितने भी प्रोटीन होंगे, उन सबको जो है ना अवशोषित कर लेगा, उन सबका जो है वो निस्यंदन कर लेगा। क्या बोलते हैं हम उसको? निस्यंदन। ठीक है ना, निस्पंदन बोल सकते हैं, निस्यंदन या निस्पंदन कुछ ऐसा ही है, तो उसका जो है वो निस्पंदन कर लेता है। अब निस्पंदन को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट, मतलब यह बहुत सारे उन सभी जो पोषक तत्व होंगे ना, उन सभी तत्वों को जो है ना सोख लेगा। ठीक है, तरल पदार्थ को तो वहीं से रखेगा, उनके अंदर जो 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 आवश्यक पदार्थ हो गए, जैसे कि मैं बोलूँ खनिज लवण, प्रोटीन हो गया, उसके बाद विटामिन हो गए, ठीक है ना, इन सबको जो है ना ये सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबसे पहले रक्त का क्या हो गया, आपका निस्यंदन हो गया। ठीक है, इसके बाद यह रक्त जो है ना, अब बोलता है बोमन संपूट बेचारा कि यार थोड़े बहुत तो मुझे दे, तू ही खाएगा क्या, थोड़ा बहुत तो मुझे भी देगा, तो जो है ना थोड़े बहुत
किसी भी हालत में बच जाता है, ये भूखा था लेकिन पता नहीं कैसे बच गया, तो जो बच जाता है ना वापस जो है ना आपका अशुद्ध थोड़े बहुत अशुद्ध खून है जो रक्त है वो आपका इस आता है वोमन संपुट में। अब ये वोमन संपुट क्या करता है कि इसके अंदर जो है ना जितना भी बचा हुआ है इस अशुद्ध खून के ऊपर, अशुद्ध खून में जितने भी आवश्यक पोषक तत्व बचे हुए हैं ना उन सबका जो है ना पुनः अवशोषण कर लेता है, मतलब वापस उसको सोख लेता है। एक बार तो सोख लेता है इस बेचारे इस ग्लोमेरुलस ने, लेकिन दूसरी बार जो है इससे वोमन संपुट सोख लेता है, ठीक है, इन पोषक तत्वों को सोख लिया। अब इसके अंदर जो है ना जो भी इसे खून के अंदर बचाना वो सेफ और सेफ अपशिष्ट पदार्थ है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब वो अपशिष्ट पदार्थ जो है ना, अब देखिए वो जो है ना क्या हो जाएगा, वाइट वाइट मतलब बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा। पानी जैसा क्यों होगा, क्योंकि उसमें से सभी पोषक तत्व हटा दिए गए हैं, आपका हीमोग्लोबिन हटा दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया, तो वो वाइट वाइट ही बचेगा, सिंपल सी बात है, पानी जैसा। तो पानी जैसा जो आपका यूरिया मिला हुआ होता है, अब देखिए ये जो आपका वोमन संपुट होगा ना वो यूरिया को अवशोषित नहीं करेगा, यूरिया तो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित नहीं करेगा। तो अब जो है ना यह आपका अपशिष्ट तरल जो है ना वो कहाँ पर चला जाता है, नलिका में, वक्र नलिका से होते हुए जो है ना सीधे आपके मूत्राशय में मूत्र मार्ग में चला जाता है, वहां से जो है ना मूत्र मार्ग द्वारा जो है वो बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, आराम से जो है ना आप कर सकते हो। देखिए स्टार्ट में हम कंसेप्ट वाइज समझते हैं, सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस, उसके बाद आता है वोमन संपुट, उसके बाद आता है वक्र नलिका। ग्लोमेरुलस क्या करेगा, देखिए निस्यंदन करेगा, जो भी अशुद्ध खून आया ना अशुद्ध रक्त आया उसका निस्यंदन करेगा, सोख लेगा, ठीक है, इसके बाद उसको आगे भेजेगा और वोमन संपुट जो है ना उसको आवश्यक पोषक पदार्थ ना उसके वापस जो है वो पुनः अवशोषण कर लेगा, ठीक है। पुनः अवशोषण करने के बाद ये यूरिया वगैरह ना इनका अवशोषण अलग करता है, इनको अलग कर लेता है, तो यूरिया मिला हुआ जो आपका खून है वो आगे बढ़ता है और वक्र नलिका में जाता है, तो वक्र नलिका से जो है ना वो उस तरल पदार्थ को मूत्राशय में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ना वो साथ साथ क्या करता है कि जो शुद्ध रक्त बचा हुआ है ना उस शुद्ध रक्त को, देखिए दो नलिका होती है, यहाँ से शुद्ध आता है और यहाँ से वापस जो है वो शुद्ध चला जाता है। अब यहाँ से जो शुद्ध रक्त बचा है, जो पोषक तत्व बचे हैं ना उन पोषक तत्वों को इसके पास लेकर वापस अपने बॉडी में भेज देता है, इससे जो है आपका खून जो है वो साफ हो जाता है, रक्त को जो है वो बोल सकता है कि इसका अपोहन हो जाता है, डायलिसिस हो जाता है इस रक्त का, समझ गए। तो यह पूरी प्रोसेस है, आपने जो है वो समझ लिया होगा, इसका सिंपल सा डायग्राम जो है, यदि ये तो बिल्कुल सिंपल सा आप देख के बना सकते हो, लेकिन फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो डायग्राम का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बाकी इसको जो है ना आप समझ लीजिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। आप नोट्स की टेंशन मत लीजिए, नोट्स जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, डाल लूँगा, ठीक है। अब जो है ना इसको समझ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका चैप्टर जो है ना लगभग कंप्लीट हो गया है, तो बस आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ क्या करना है आपको पता होगा, पढ़ते रहना, आगे बढ़ने रहना है, और साथ ही साथ एग्जाम में फोड़ने की तैयारी करते रहना, ठीक है। थैंक यू।